नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल में फिर से। और आज के ब्लॉग की शुरुआत करते हैं ट्रक के अंदर से, पिकअप वैन के अंदर से। देखो धनु भाई, हेलो कर दो। धनु भाई हेलो कर दो एक बार। हेलो। हाय धनु। बोलिए प्यास दी भगवान की जय हो। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल में फिर से। और आज के ब्लॉग की शुरुआत करते हैं ट्रक के अंदर से, पिकअप वैन के अंदर से। देखो धनु भाई हेलो कर दो। धनु भाई हेलो कर दो एक बार। हेलो। हाय धनु भाई। देखो तो पिकअप के अंदर से शुरुआत हो रही है आज, और जा रहे हैं हम शिवले के लिए। वहाँ पे भागवत है तो टेंट वेंट लगाना है, वहाँ पे चलते हैं फिर। चलो मजे ले रहे हैं हम। देखो है पिकअप के अंदर। अभी हम पहुंच चुके हैं शिवालय में, और यहाँ पे जो भागवत कथा है वो शुरू होने वाली है 25 अप्रैल बोले तो वहाँ से शुरू होने वाली है। तो ये अपनी रामगंगा नदी यहाँ पे नीचे रामगंगा, तो काफ़ी अच्छा रहने वाला आज का माहौल। और बाद में खाएंगे आपको क्या क्या होने वाला है यहाँ पे। भागवत क्योंकि प्रारंभ होने वाला है आज से, और 7 दिन तक चलेगा मेरे ख्याल से। तो आसपास का व्यू देख लो आप, कितना मस्त लग रहा है। देखो तो पूरा मंदिर आपको बाद में दिखाएंगे, थोड़ा काम कर लेते हैं पहले। तो यहाँ पे टेंट का काम मिला हुआ था, राधाकृष्ण टेंट हाउस, श्री राधाकृष्ण टेंट हाउस बोलते हैं ना अपने यहाँ का टेंट है जो, उसमें आते रहते हैं हम और काम करते रहते हैं। तो उसी में मतलब आज भी काम कर रहे हैं हम। ठीक है, तो अभी जो टेंट लेके आए थे वो टेंट लगा दिया है। देखो कैसा लग रहा है बताना कमेंट करके। देखो सजा दिया पूरा मंदिर को, और केले सूद दिए हमने एक दर्जन से ऊपर। देखो नहीं जो पेड़ में तो ये है रामगंगा नदी, देख सकते हैं यहाँ पे गहरा रहता था बीच में। और इधर को देखो ब्लॉग बनाने का, जो आजकल ब्लॉग बनते हैं ना मकाने के लिए, उनके लिए जो ब्लॉग्स बनते हैं वही है, मतलब कंपनी बन गई शायद यहाँ पे, छोटी सी एक बोल सकते हैं। और यार देखो ना नज़ारा क्या मस्त हो रहा है, बिल्कुल शिवालय के आसपास का मुखधाम का। वहाँ पर हमने टेंट लगाया और अभी हम इधर नीचे आ गए, देखो किधर की तरफ को, नदी की तरफ को। तो बड़ा मज़ा आ रहा है नदी में। देखो नदी में थोड़ा खेल कूद करते हैं, थोड़ा जाते हैं वहाँ पे। चलो कैमरे को रखते हैं जगह पे, वहीं चलते हैं हम। चलो जाना तो वैसे कुलगार की तरफ को था एक दिन देखने के लिए, ऊपर को वहाँ से रास्ता कुल देखो सामने, तो वहाँ से जाएंगे एक दिन। कभी बनाते हैं प्लान वहाँ जाने का, तो शादी बरातों के ब्लॉग आएंगे अब इसके बाद तो, क्योंकि बहुत दिनों बाद ब्लॉग अब आ ही रहा है ऐसे। देखो चलो तो दोस्तों यह है गंगेश्वर महादेव का प्रांगण, आप लोग देख सकते हैं कितना प्यारा सा प्रांगण है, हरा भरा बिल्कुल। और सामने NH 109 रामगंगा नदी, तो काफ़ी प्यारा नज़ारा है यहाँ का। देखो शांतिरंतरिक्षं शांति पृथ्वी शांतिरापः
शांतिरोखदयः शांतिर्विश्वेदेवाः शांतिर्ब्रह्म शांतिः सर्वज्ञो शांतिः शांतिरेव शांतिः सामा शांतिरेधि ॐ यतो यतः समीहसि ततो नो अभयं कुरु अरे दादा जी क्या हाल है बत्ती जाओगे जब सुबह सूर्य पे मैं अभी मतलब जैसे मटकोट से देवता लोग भी आए यहाँ पे, तो किसी के देवता नहीं चाहे मटकोट वालों के, तो थोड़ा बाजे बाजे बजाए, उसकी वीडियो मैं बाद में दिखाऊंगा आपको। तो मज़ा आ गया फिर आज, अब जाते हैं खाना खाने के लिए थोड़ा। श्री राम यही
भेंट करूं क्या नाथ, नमस्कार की भेंट है दोनों जोड़ू हाथ। ओम पूर्व स्वा गोविंदाय नमो नमः, पुष्पांजलि समर्पयामि। जय गणेश। शंभु भांगु ल्याओ जोगी तोन्यो मनो भोले, अभी बजने वाले हैं शाम के 7:30 बजने वाले हैं ना, करीब टाइम 7 बजने वाला है और दिन का एंड बोल सकते हैं हो चुका है यहाँ पर। अभी तो भागवत शुरू हो चुका है 25 अप्रैल, मतलब आज से 1 तारीख तक है, तो मतलब आ सकते हैं हम लोग इस बीच में। नीचे देखो ना नज़ारे।